पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं खीरा काकड़ी का एक सुंदर स्वादिष्ट सलाद। जितना सुंदर सलाद है उतना ही यूनिक इसका ड्रेसिंग भी है। क्या अब भी इसे खाने से कोई रोक सकता है? तो आइए फ्रेंड्स, रूटीन के सलाद के साथ आज हम कुछ नया प्रयोग करते हैं और बनाते हैं एक यूनिक स्टाइल का सलाद। सलाद बनाने के लिए मैंने ये खीरा काकड़ी ली है और इसको मैंने साफ धो कर लिया है। अब हम इसे आगे से और पीछे से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अब हमें एक चिप्स कटर लेना है और छिलके सहित ही हमें इस तरह से इसको लंबा कट करना है, स्ट्रिप्स बनाने हैं। इस तरह से हमें लंबे और पतले स्ट्रिप्स कट करने हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे खीरा ककड़ी के स्ट्रिप्स कट हो गए हैं और मैंने ये कुछ टूथपिक्स ली हैं और एक गाजर के मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो कैप्सिकम टमाटर के टुकड़े कर सकते हैं। अब हमें इसको ये टूथपिक में हमें सबसे पहले एक गाजर का टुकड़ा हमें इस तरह से अरेंज करना है। पहले अब हमें ये स्ट्रिप्स लेनी है और इस तरह से इसको जिगजैग फोल्ड करना है और इसको भी हम स्टिक्स में अरेंज कर देते हैं। अब दूसरी स्ट्रिप्स लेंगे और इसको भी हम इस तरह से जिगजैग फोल्ड कर लेते हैं और इसको भी हम स्ट्रिप्स में अरेंज कर लेते हैं। और बाद में फिर से एक गाजर लेंगे, गाजर का पीस लेंगे और इसको लॉक कर देंगे, मतलब कि ये स्ट्रिप्स बाहर ना निकले। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। और इसी तरह मैं सारे स्ट्रिप्स को स्टिक्स में अरेंज कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से टूथपिक लेंगे और गाजर को इसमें, गाजर का एक टुकड़ा लिया, इसमें अरेंज करेंगे और इसको हम नीचे रख देते हैं टूथपिक को और इसको पहले हम इस तरह से हाथ से होल्ड कर लेते हैं और इसमें अरेंज कर लेंगे। जितना फोल्ड हो, जितनी इसकी लेंथ हो, उसी हिसाब से हमें फोल्ड करना है। और अब दूसरी स्ट्रिप्स ले लेते हैं, उसको भी फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से जिगजैग फोल्ड कर लिया है मैंने और अब इसको भी गाजर से लॉक कर देती हूँ। ये हमारा बहुत ही सुंदर सलाद तैयार हो गया है और मैंने इसको सर्विंग प्लेट में अरेंज कर दिया है। जितना सुंदर है ये, उतना इसे बनाना भी आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। फ्रेंड्स, जितना यूनिक सलाद बना है उसकी ड्रेसिंग भी तो उतनी यूनिक होनी चाहिए ना। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स से मिलवा देती हूँ। सलाद का ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें लेना है 2 बड़े चम्मच विनेगर, 2 बड़े चम्मच शुगर और ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, नमक, 2 बड़े चम्मच शहद या हनी और ये मैंने 4-5 सूखी लाल मिर्च ली है, इनको बीजे निकाल दिए और गर्म पानी में भिगो दिया है। थोड़ी सी इसकी पेस्ट बना ली है मैंने, बीजे इसमें से सारी हमने निकाल दिए हैं। और हमें लेना है लेमन जेस्ट लेना है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरह से लेना है, और आधा नींबू का रस लेना है और एक दालचीनी का टुकड़ा। ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें एक पैन गरम करना है। अब पैन में हम लेते हैं 2 बड़े चम्मच विनेगर और साथ में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच शुगर और इसमें हम डालते हैं दालचीनी का टुकड़ा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें ड्रेसिंग में। और इसको शुगर को हम मेल्ट होने देंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, मैंने स्लो फ्लेम ही रखा है। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे हम इसमें। इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, उबालेंगे और थोड़ा थिक होने देंगे। थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है, चाशनी की तरह
थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच शहद या हनी। हनी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च की पेस्ट। आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं और अब हम इसमें मिक्स करते हैं लेमन जेस्ट। इस तरह से ये लेमन का हमें ऊपर ऊपर से हल्का हल्का इसको ग्रेट करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ग्रेट करना है। इसका व्हाइट पार्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो कड़वा हो जाता है। सिर्फ ऊपर का लेमन जेस्ट ही लेना है हमें। फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने ऊपर ऊपर का इसका लेमन जेस्ट ले लिया है और इसको हम डाल देते हैं ड्रेसिंग में। लेमन जेस्ट मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल कुकुम्बर सलाद रेडी है और ड्रेसिंग भी एकदम यूनिक स्टाइल का ड्रेसिंग भी रेडी है। अब मैं इसको ड्रेसिंग को सलाद के ऊपर ड्रिजल करती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल संगीता विश्वरूप को सब्सक्राइब कीजिए।